यहाँ ये बहुत स्पेशल कि मैंने लास्ट ईयर दो पेंटिंग खरीदी थी, जहांगीर आर्ट गैलरी में इनकी एग्जीबिशन थी तब, और मैंने एक इन्होंने गिफ्ट की थी, दो मैंने खरीदी थी, एक इन्होंने गिफ्ट की थी, और मैं पहली बार सरप्राइज हुआ था, और तो देन आई वाज कि लाइक हाँ ये इनकी पेंटिंग्स देखने के बाद फिर मैं इनके साथ इनके इनके थ्रू इनके बेटे से मिला, वो म्यूज़िक करते हैं, उनके साथ काम कर रहा था, और इनके जो पति हैं वो मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त थे कॉलेज के। मैं सरप्राइज हुआ कि अब आर्मी का आदमी कैसे ऐसे क्रिएटिव लोग इसके घर में आ गए। मेरा बहुत इंटरेस्ट है ये तो अलग ही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा साइकेडेलिक, मतलब इनकी पेंटिंग देख के समझ में आता है कि इनका बेटा जो म्यूजिक करता है क्यों करता है। बट इज शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड इट्स ब्यूटिफुल इन द कलर्स that she uses, and there's a kind of a the use of it, the uniformity of it, wo waise kahin bhi jarring nahi lagta, the way she mixes the palette jo hai kahin bhi aap dekho to koi bhi cheez aapko aisa jarring nahi lagti, it doesn't throw you off, and then it pulls you in deeper and you want to go in and look and figure out what was going through her head when she was doing it, so that is what is very interesting. Ma'am, aap kuch kehna chahenge is exhibition ke bare mein, aur anurag sir yahan par hai, kya kehna chahenge? I'm truly honored. मैं in fact I was waiting for Mr. Anurag. हमारी दोस्ती last year ही हुई है. हाँ जी. But मैं बहुत I am feeling honored that he took out time और that's it. सर आपसे जानना चाहूँगी आर्ट को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से explain करना चाहेंगे? यार आर्टिस्ट को ना दुनिया दे देनी चाहिए चलाने के लिए. मैं सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची दुनिया वही चला सकते हैं. उन्हीं के अंदर एक्चुअली विजन होता है, एम्पैथी होती है, सेंसिटिविटी होती है, और दुनिया उनको दे देनी चाहिए चलाने के लिए. सो आज आपको इतने सारे पेंटिंग्स देखे, कौन सा सबसे प्यारा लगा? ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी आर्ट के बारे में ये नहीं कभी कहता हूँ कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, रेस नहीं है, तो एक मूड होता है, मेरे लिए क्यूरियोसिटी होती है, जब मैं देखता हूँ तो आई वॉन्ट टू नो हर वॉट इज गोइंग. अभी इनकी पोएम मिली है, मैं पोएम पढ़ूंगा, फिर पोएम के साथ पेंटिंग देखूंगा, फिर मैं समझ में आएगा क्या. So it's a thing you want to get into a person's head. Upcoming projects और क्या कुछ आ रहे हैं आपके? अभी तो lockdown नहीं है चल रहा है, बस lockdown अभी theater cinema खुलने दो, बड़ी फिल्में निकलने दो, फिर हमारी आएंगी उसके बाद. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रॉम मेरी पहली फिल्म से ही हमने काफ़ी कुछ यूज़ किया, जो रिलीज नहीं हुई थी 5. आप गुलाल भी देखोगे, इसमें हमने गोया की पेंटिंग बैकग्राउंड में कितनी यूज़ की है, तो इसे मैं रेगुलरली यूज की है मैंने काफी सारे. तो कोई फिल्म जो आपको वेट कर रही है इस साल देखने के लिए उसके अलावा एनीथिंग दैट यू आर इस समय? हां, अभी तो गंगूबाई आ रही है, मैं वो देखना चाहता हूं. ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी आप सोशल मीडिया पे बहुत खुलकर बात करते थे, आपका जिस तरह से कर्नाटक में चल रहा है उससे आपकी क्या कुछ ओपिनियन होगी ये जानना चाहूंगी. मेरे ओपिनियन से क्या होता है, मेरे ओपिनियन से कंट्रोवर्सी होती है, कुछ नहीं होता. मेरा ओपिनियन मत ही पूछो तो अच्छा. कुछ नहीं होता, आई थिंक अभी सब लोग एक मत हैं कहीं ना कहीं, जो कुछ भी हो रहा है, और जो कहना चाहते हैं वो जनता के पास पावर है, इलेक्शन में कहेगी, कह रही है, देखते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू.